अस्सलाम वालेकुम, आई एम नरमीन इफ्तिखार और मैं इस साल सूसी प्रोग्राम पे गई थी एंड आई एम हेयर टू टेल यू ऑल अबाउट द सूसी एंड यू आई आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सूसी। तो आपके क्वेश्चंस भी मैं आंसर करूँगी और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और SOP के बारे में भी बात करेंगे। इस साल सूसी के दो प्रोग्राम्स हैं और एक वुमेन लीडरशिप पे है और एक पब्लिक पॉलिसी पे है। पब्लिक पॉलिसी के लिए लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो वुमेन लीडर्स वाला है उसके लिए सिर्फ लड़कियां। और लड़कियों का ये पर्क है कि इस साल के वो दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पिछले साल तक ये होता था कि सूसी की एक ही एप्लीकेशन आती थी और उसमें से कुछ लोग थे वो सूसी फॉर वेमेन के लिए सेलेक्ट हो जाते थे, कुछ लड़कियां, और जो बाकी होता था वो पब्लिक पॉलिसी के लिए सेलेक्ट हो जाते थे। डिफरेंस दोनों में ये है कि आप पब्लिक पॉलिसी में, क्योंकि मैं पब्लिक पॉलिसी वाले प्रोग्राम में गई थी जिसमें आप 25 से 30 पाकिस्तानी जाते हैं और इसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में जाते हो, आप पूरा महीना जो है आप समर्स में आप UMass में पढ़ते हो, पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हो, कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी लीडरशिप पढ़ते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हो, आप कल्चर एक्सप्लोर करते हो, आप काफ़ी कुछ पढ़ते हो, सीखने का मौका मिलता है। UMass के बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं आप उनसे पढ़ते हो और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है आपको। पढ़ने के साथ साथ आपकी, जब आप UMass में ही होते तो आप रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे होते और आपको बहुत चांस मिलता है कि आप USA को एक्सप्लोर कर सको। तो आप USA को एक्सप्लोर कर सको और उसके अलावा आप कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो। और जब आपके पूरा मंथ ख़त्म हो जाता है आपकी उस डिग्री का, उस सर्टिफिकेट का, तो उसके बाद आपका स्टडी टूर होता है 2 वीक्स का। तो उस 2 वीक्स में आप काफ़ी सारी जगहों पे जाते हो, आप वॉशिंगटन जाओगे, बॉस्टन जाओगे, शार्लोट्सविल जाओगे और न्यूयॉर्क जाओगे, आप काफ़ी आपको घुमाएंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे आप लोग। तो ये था पब्लिक पॉलिसी में। तो पब्लिक पॉलिसी और जो सूसी फॉर वुमेन लीडर्स है उनकी यूनिवर्सिटी अलग होती है और उनका वो वुमेन लीडरशिप को पढ़ती हैं और वो उनका भी स्टडी टूर होता है। आई डोंट नो मच अबाउट सूसी फॉर वुमेन लीडर्स बट आई कैन गाइड यू एंड आई विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ द प्रोग्राम्स इन दिस सेशन। तो अगर हम अब डिस्कस करें एप्लीकेशंस को, तो एप्लीकेशंस अब आ गई हैं, तो अब मैं थोड़ा सा आपके साथ फॉर्म डिस्कस कर लूँगी। सबसे पहले हम पब्लिक पॉलिसी वाला फॉर्म देखेंगे। आपको सिंपली इसको फिल करना है और मुझे तो ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन लगती है। आप बिल्कुल अपना इंस्टीट्यूट नेम और उससे स्टार्ट करोगे, जो जो रिक्वायर्ड है आप उसको एज इट इज़ सॉल्व करते जाओगे और फिर आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, अपने बारे में बताओगे, ब्रदर सिस्टर्स कितने हैं वो बताओगे और उनकी जेंडर एज क्या है और वो क्या करते हैं वो बताओगे। बी ऑनेस्ट इन दिस। अपनी एजुकेशन के बारे में बताओगे, अपने ग्रेड्स वगैरह के बारे में बताओगे, लिखोगे सिर्फ। अभी आपको सबमिशन के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ भी अटैच नहीं करना साथ, आपको कोई भी अपना सर्टिफिकेट या कोई भी डिग्री आपको अभी नहीं भेजनी, आपको सिर्फ ये एप्लीकेशन फिल करनी है और आपके जो जो मार्क्स हैं, जो भी आपके ग्रेड्स हैं, आपने वो लिख लें ऑनेस्टी के साथ। फिर जब आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपसे आपकी डिग्रीज देख लेंगे और आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देख लेंगे। एक आंसर क्वेश्चन है कि कैन अ बॉय अप्लाई फॉर दिस? या श्योर, बॉयज़ कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सूसी पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप। बोथ द जेंडर्स कैन अप्लाई फॉर दिस पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम। I applied last year but you should apply this year too. Okay, so I'll take questions later. I was discussing this. So आप अपनी डिग्रीज के बारे में लिखो। सो मैं अब बात ये करी थी
कि जब आप अप्लाई करोगे उस टाइम आपको कुछ भी नहीं चाहिए कि आपने कोई अपना डिग्री दिखानी है या कुछ दिखाना है, बस आप इस एप्लीकेशन इस फॉर्म को आप यूएस कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जाओगे, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, उसको फिल करोगे, उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और फिर आप एक गिवन ईमेल एड्रेस है आप उस पे जाओगे और उस पे अपनी फाइल को भी एक रिक्वायर्ड वो लिखा हुआ है वहाँ पे वेबसाइट पे कि आपने इस तरह से सेव करना, आप उसी तरह से सेम टू सेम सेव करोगे और उन्हें भेज दोगे। आपको इसके साथ और कुछ अटैच नहीं करना। तो आप अपने डिग्रीज के बारे में लिखोगे और फिर ये क्वेश्चन है स्कॉलरशिप के बारे में। आर यू करेंटली ऑन और हैव एवर अर्न एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप? इफ़ येस प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप उसके बारे में मेंशन कर दें, कोई बुराई नहीं है इसमें। और अगर नहीं मिली तो बस बी ऑनेस्ट, वर्क इन वॉलंटियर एक्सपीरियंस आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो जो आपने किया हुआ है, आपने कोई सोसाइटीज़ क्लब्स ज्वाइन किए हैं, लिखो उसके बारे में, कुछ वॉलंटियर काम किए हैं, कोई इनिशिएटिव लिया है, जस्ट राइट इट। एंड आपको जब आप अप्लाई करो तो तब तो कोई प्रूफ नहीं दिखाओगे, बट जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप दिखाओगे। फिर है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप पहले गए हुए यूएस में तो आप उसको मेंशन करोगे। और फिर है प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एनी अदर कंट्री, अगर आप गए हो तो डू राइट। फिर आप अपनी फैमिली के बारे में बताओगे, अगर वो यूएसए में है आप बताओगे कि वो कौन है, आपसे रिलेशनशिप क्या है। फिर हैव यू, और फिर वही बात पूछ रहे हैं कि अच्छा इमिग्रेशन की बात है तो आप उसका जवाब दोगे। अब है पर्सनल स्टेटमेंट, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं वो पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं कि एसओपी में ऐसा क्या लिखें और क्या ना लिखें। तो एसओपी के बारे में कुछ टिप्स हैं और मैं कुछ एसओपी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। आप एसओपी के साथ, मुझे ये लगता है कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर एसओपी। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई एसओपी, आई राइट अ लॉन्ग लॉन्ग एसओपी एंड देन आई जस्ट स्पेंड टाइम विद इट, आई एडिटेड इट अगेन एंड अगेन। यू जस्ट राइट इट अबाउट योर सेल्फ बट डू नॉट राइट दैट आई एम नरमी इफ्तार एंड आई हैव स्टडीड दिस 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 एंड आई एम डूइंग दिस। नो, यू ऑलरेडी हैव मैंशन दैट यू योर नेम इज़ दिस एंड यू आर डूइंग दिस। नाउ इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यू नीड टू राइट दैट वट यू आर डूइंग इन योर लाइफ एंड हाउ लाइक हु आर यू एक्चुअली। सो यू नीड टू राइट दिस थिंग इन योर एसओपी, यू डोंट नीड टू राइट दैट यू आर दिस एंड यू बिलोंग फ्रॉम दिस। इवन इफ यू राइट दैट where do you, from where you belong, you need to just link things, you need to link like since I'm from Balochistan or since I'm from Punjab, you can write about the cultural aspects too. SOP फिर आप जब लिखते हो उसको एडिट करते हो उसको टू मेक श्योर कि वो 200 टू 250 वर्ड्स की है। अगर वो 250 वर्ड्स से ज़्यादा की होगी तो वो उसको नहीं देखेंगे। तो 250 वर्ड्स की लिखिए और उसमें आपने कुछ ऐसा लिखना है कि हाउ यू आर यूनिक, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, व्हाई डू यू वांट टू गो टू द यूएस, लाइक बी अट्रैक्टिव। आपने कुछ ऐसा लिखना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे डिफरेंट बने। अब ये भी लोग सवाल करते हैं कि हम ऐसा क्या लिखें कि हमारी एप्लीकेशन सबसे डिफरेंट हो। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो आप लिंक करें चीज़ों को। अगर आपने कोई अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं कम्युनिकेशन एंड मीडिया की स्टूडेंट हूं और मैंने वॉलंटियर वर्क वगैरह और वो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उसमें मैंने हम न्यूज़ में काम किया हुआ था। तो मैंने अपने एसओपी में यही लिखा कि इसी को इन चीज़ों को लिंक किया, मैंने उन अपने वॉलंटियर को भी मेंशन किया, अपने इंटरेस्ट को भी मेंशन किया और उन सबको लिंक किया कि सिंस आई हैव इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म so I did this this this, so you can write also this that since you are in this field and you are interested to serve the community, just link the things, do not mention. And also I have seen people that they write everything that I am a humanist, I am a social activist, I am a good player, just be honest. आप अपने SOP में सच बोलें और बताएं कि आप क्या हैं और अपनी और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी एसओपी लोगों से लिखवा रहे होते हैं। आप अपनी एसओपी लोगों के बारे लोगों से नहीं लिखवा सकते, ये आपकी लाइफ है, इट्स अबाउट यू और इसको आपने लिखना है। तो आप इसको अपने एसओपी को
ख़ुद लिखेंगे और उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर या आप इसको आगे लोगों को, अपने टीचर्स को, एलुमनाइज को दिखा सकते हैं ताकि वो इसको एडिट कर सकें या अपनी, पर ये भी जब आप किसी को दिखाते हैं तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे उसको एडिट करता है। आपको अपनी रेसिपी को ख़ुद देखना है कि आपको लगता है कि ये ऐसी है जो आप कंपीट करोगे बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को, तो आपने अपनी एसओपी में ये सब बातों, इन सब बातों का ख्याल रखना है। ओके, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़? आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे राइट कॉर्नर पे ऑप्शन है डाउनलोड का, फिल यू गाइस बी रिव्यूइंग एसओपीज़, या आई डू रिव्यू एसओपीज़, यू कैन सेंड मी मोनाली। डज इट रिक्वायर ट्रांसक्रिप्ट? नो, आई टोल्ड अर्लियर दैट एट दिस पॉइंट यू डू नॉट नीड टू सबमिट एनी थिंग, जस्ट दिस एप्लीकेशन। क्वेश्चंस जो होंगे उसमें 150 वर्ड्स होने चाहिए। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। आर यू इंडियन? नो। ओके, सो व्हाट एल्स आर द क्वेश्चंस? फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ गाइड मी? आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जो आपका राइट टॉप का कॉर्नर है वहाँ पे लिंक है एप्लीकेशन का, मैंने भी अभी डाउनलोड की थी। और मैं आपके सवाल भी देख रही हूँ। एप्लीकेशन में हम किसको एड्रेस करें, क्या मतलब? मतलब ईमेल एड्रेस? आई डिडंट गेट। सूसी लीडर्स प्रोग्राम फॉर बॉयज़, यही है कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप वाला, ये बॉयज़ के लिए भी है और मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ अभी। कैन फीमेल्स अप्लाई टू बोथ द प्रोग्राम्स? यस, ये एक प्रिविलेज है कि जो फीमेल्स हैं वो इस साल दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकती हैं। महमूदुल हुसनैन, मैं अभी वही क्वेश्चंस की बात करने लगी हूँ, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो एसओपी के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। आप अपने, और इन्होंने क्राइटेरिया गिवन है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपने क्या करना है तो आप उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एसओपी को लिखें। तो है, वाई डू यू थिंक योर बैकग्राउंड और इंटरेस्ट मेक यू कंपेटिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट? बताएं कि आप का बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, या आपके इंटरेस्ट हैं, आप मतलब, तो वो आपको इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए क्यों कंपेटिटिव बनाते हैं? आप लिखिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि आपको लिंक करना है चीज़ों को। तो फिर इसके बाद है, व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप? अब ग्रुप से इनकी मुराद है टू द सोसाइटी यू आर लिविंग, और आप जिस तरह से इसको परसीव करें, आप उस तरह से आंसर करें कि आप क्या किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आप लिख रहे हो कि आपका जर्नलिज्म की तरफ इंटरेस्ट है और जर्नलिज्म में आप कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल, तो आप कंट्रीब्यूट कैसे करोगे ग्रुप को? तो आप ऐसे कह सकते हो कि मैं फ्री मीडिया को प्रमोट करूँगी, येलो जर्नलिज्म को प्रमोट नहीं करूँगी, मैं पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसीज को रेगुलेट करूँगी, या फिर आप इस तरह से कुछ, क्या आप अपने ग्रुप को कैसे फ़ायदा पहुँचाओगे? आप ये भी कह सकते हो क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है तो आप लोगों को सिटीज़न जर्नलिज्म के ज़रिए आप लोगों को गाइड करोगे या सच्चाई पहुँचाओगे, तो आपको इस तरह की बातें आप अपनी फील्ड के मुताबिक रिलेट करके लिख सकते हो। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस एक्सपीरियंस विल अफेक्ट योर फ्यूचर एकेडेमिक एंड प्रोफेशनल करियर? आपको कैसे लगता है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके फ्यूचर में ही आपको काम आएगा? अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अब ये एप्लीकेशन जो इस वक्त मैं देख रही हूँ ये है पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप वाली, और इसमें दो क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर करते हुए आपने सिर्फ अपनी बात करनी है, आपको क्या लगता है, आपका नैरेटिव क्या है, आप क्या कहते हैं, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? तो क्वेश्चंस आपने अपने हिसाब से इसको आंसर करना है, पर मैं अपने हिसाब से आपको कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू प्रॉब्लम्स गेट ऑन द पब्लिक एजेंडा? हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क इन पाकिस्तान? तो ये पूछ रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो पब्लिक एजेंडा पे किस तरह से आती हैं और ये पाकिस्तान में कैसे होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है,
या आप बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो पब्लिक एजेंडा है, इट्स ऑल अबाउट द कंट्रीज एजेंडा। तो पब्लिक एजेंडा डिसाइड कर रहा है हमारा मीडिया, मुझे ये लगता है। मुझे ये लगता है कि मतलब हाँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं हमारे मुल्क में, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम तो ये भी है कि पानी ख़त्म हो रहा है, प्रॉब्लम तो ये भी है कि गुर्बत है, इन्फ्लेशन है, करप्शन है, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको वो अब प्रॉब्लम्स पब्लिक एजेंडा कैसे बनती हैं? जब मुझे लगता है कि जब इस पे एक इस पब्लिक एजेंडा तब बनती है जब आवाम की मसाइल लिंक होते हैं पावरफुल अथॉरिटीज़ के साथ। आपका पब्लिक एजेंडा तब बनता है जब, अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, इट्स जस्ट अ डिस्कशन, इट्स नॉट सम कॉन्क्रीट आंसर टू दिस क्वेश्चन, प्लीज़, दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम पब्लिक एजेंडा की बात करें तो चाइल्ड अब्यूज़ और रेप केसेस तो पाकिस्तान में होते रहे हैं, पर जब से जैनब का केस सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और सब लोगों को पता चला उसके बारे में, तो तब ये पब्लिक एजेंडा बना कि वी नीड अ जस्टिस। तो पब्लिक एजेंडा क्या है और ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो इट्स समथिंग रियली फिशी। और ये दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज़ नॉट वट यू हैव टू राइट इन हेयर। सो यू नीड टू थिंक एंड यू नीड टू डिस्कस विद योर टीचर्स व्हाट्स देयर नैरेटिव ऑन दिस, एंड देन यू नीड टू राइट इट डाउन। ठीक है, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन अ गवर्नमेंट लेवल व्हाट आर द मेजर बैरियर्स इन इम्प्लीमेंटिंग अ पॉलिसी इन पाकिस्तान? इफ़ यू वर एबल टू एड्रेस दिस बैरियर्स, हाउ वुड यू डू? अब बैरियर्स की बात हो रही है, तो बैरियर्स तो गवर्नमेंटल लेवल पे बहुत सारे हैं। तो मुझे गवर्नमेंटल लेवल पे बैरियर तो ये भी है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं हमारे पॉलिटिशियंस और लीडर्स के, वो ही एक दूसरे से मैच नहीं करते। कोई क्या कह रहा है, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और किसी का पर्सनल इंटरेस्ट आवाम के इंटरेस्ट से डिफरेंट है। तो ये बैरियर तो एक ये भी है। और पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसी के लिए बैरियर तो ये भी बनता है कि जो गवर्नमेंट है वो सीरियस नहीं है, या फिर करप्शन है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा देखते हैं। तो आपको जो लगता है कि आप इसका आंसर कर सकते हो, वो आपको करना ही। मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। तो आपको बताना कि ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो पाकिस्तान में एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने से नहीं होने देते। तो आपको उन सब बैरियर्स, करप्शन या कुछ भी, आपको उन सब के बारे में लिखना है 150 to 250 words में। तो आपका, इट्स टोटली योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको वो लिखना है। आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आप डिस्कस करो अपने टीचर्स के साथ, डिस्कस करो और फिर आंसर को लिखो। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हो इस एप्लीकेशन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगे और अपनी डिग्री के सेकेंड और थर्ड ईयर में होगे, तब आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यू मस्ट बी बिटवीन 18 to 25, एज की बात कर रही हूँ। और फिर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ हों आप में, और आप वेबसाइट को देख लें, एक बार गौर से देखें। तो जब आप वेबसाइट देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा पता चल जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी। पब्लिक एजेंडा, आई थिंक वी शुड राइट द प्रॉब्लम्स वी गेट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। या एग्जैक्टली, यू आर राइट, आई डू अग्री। एंड सोर्स कुड बी एनी एंड इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, इज़ इट नेसेसरी दैट ओनली वन सेमेस्टर शुड बी लेफ्ट? व्हाट अबाउट 5th सेमेस्टर? 5th सेमेस्टर, दे कैन अप्लाई इफ़ यू आर इन फिफ्थ, इन योर 5th सेमेस्टर यू कैन अप्लाई। बट देर इज़ अ सेक्शन वेयर वी हैव टू राइट ग्रेड्स, दैट्स वाई कन्फ्यूज। तो आप उस सेक्शन में अपने ग्रेड्स लिखेंगे, आपका जी पी ए, सी जी पी ए, जो भी रिक्वायर्ड है, आप अपने बिल्कुल एग्जैक्ट देख के लिखोगे। और कोई क्वेश्चन आपका?
कैन यू गिव सम टिप्स टू राइट एसओपी, तो मैंने पीछे डिस्कस की हैं. डू सी ए स्टूडेंट्स आर एलिजिबल? इफ यस देन यस दे आर एलिजिबल. कैन यू प्रोवाइड अ सैम्पल ऑफ एसओपी? तो अगर आप गूगल पे एसओपीज के सैम्पल देखें और एग्जांपल्स देखें तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो. और हाँ, यही सवाल है. ईमेल में एड्रेस किसको करें? अच्छा, ईमेल की जो बात हो रही है वो यहाँ पे आप अगर वेबसाइट मेंशन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है. जब आप ये एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो आपको इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है. आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे और फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे और फाइल नेम आप बिल्कुल रिक्वायर्ड, आप अपना नाम लिखोगे सबसे पहले, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे और अपनी सिटी का नाम लिखोगे. आपने इसको इस तरह से सेव करना है, मतलब कि अगर आपका नाम नरमीन है तो आप पहले नरमीन इफ्तखार लिखोगे, फिर कॉमा डाल के आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे और फिर उसके बाद आप लिखोगे जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो आप उसको लिखोगे. और इस रिक्वायर्ड मेथड को आपने फॉलो करना है जब आप अपनी फाइल सेव करोगे. ठीक है, डू नॉट इग्नोर दिस, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और फिर आप जब ये लिख लोगे तो आप इसको ईमेल करोगे. ये एक ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, सूसी इस्लामाबाद ISL एक्सचेंज एट द रेट ऑफ स्टेट .gov. ओके, तो आप इसको देखोगे वेबसाइट पे जाके और इसी ईमेल एड्रेस पे आप अपनी जो एप्लीकेशन आप उसको भेजोगे. और ट्यूसडे December 17 इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. फीमेल्स अप्लाइंग फॉर सुसी वी कैन यूज़ द सेम SOP फॉर स्टूडेंट लीडर्स प्रोग्राम. इज देयर एनी प्लैजरिज्म क्राइटेरिया? स्टूडेंट ऑफ 7 semesters हुआ. ओके, तो ऐसा सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप अपने यू ग्रेड की एप्लीकेशन SOP सूसी वाले में डाल दो. या फिर मुझे लगता है कि आप यूज़ तो कर सकते हो पर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो. अगर आप वेमेन लीडर के लिए हो तो आप इसमें आप वेमेन लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़्यादा बात करोगे. जब आप पब्लिक पॉलिसी वाली एप्लीकेशन फिल करो तो आप मेक श्योर कि आप अपने SOP में कुछ पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड बातें कर रहे हो और लीडरशिप दोनों दोनों को बैलेंस करो. मतलब यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग. तो आप इसमें अपनी आपको अपनी SOP उस लिहाज से मोल्ड करनी है. यू ग्रेड के लिए लिख रहे हो तो आप अपने उसमें कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऐड करोगे तो आपको थोड़ी बहुत एडिट आपको अपनी SOP करनी पड़ेगी. और इसके अलावा आपने बोला कि आप 7 semester में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर, लिखा तो ये हुआ है कि आप अपनी जो आपका लास्ट ईयर है आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, पर आप अप्लाई कर दो क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट लक. तो क्या पता आपकी सिलेक्शन हो जाए, पर लिखा ये है कि दे आर नॉट एलिजिबल. ओके, हाउ टू पोर्ट्रे द पर्सनल स्टेटमेंट ईदर क्रिएटिव और सिंपल इंग्लिश एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू क्रिएटिव राइटिंग टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो विल इट बी गुड? या बी क्रिएटिव, बी यूनिक इन योर SOP, राइट एनीथिंग विच इज़ रियली क्रिएटिव. आपको देखो अपने बारे में लिखना है तो ये कोई आपकी सेकेंड क्लास का ऐसे नहीं है जिसमें आपने लिखना है कि माई नेम इज़ नरमीन एंड आई एम दिस, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. आपको ऐसी बातें नहीं लिखनी, आपको क्रिएटिविटी दिखानी है कि ये आपके इंटरेस्ट हैं, ये आपकी हॉबीज़ हैं, आपने पास्ट में ये किया और आपके इंटरेस्ट से वो चीज़ें लिंक हों और आप बताओ कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो अपने सोसाइटी को. अच्छा, शुड आई हैव पास्ट एक्सपीरियंस इन द प्रोग्राम टॉपिक टू बी एक्सेप्टेड? अच्छा नहीं, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो. इस साल जब मैं गई थी तो हमारे साथ डॉक्टर्स भी थे, जो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स का क्या काम पब्लिक पॉलिसी से, इनका उनका काम है. डॉक्टर्स आर रियली रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड दे आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक एंड दे आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज. सो एवरी थिंग इज़ रिलेटेड. यू इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप अप्लाई करो और आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए.
ओके, और कोई क्वेश्चन आपका? कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है? कुछ भी अटैच नहीं करना, बस आपको ये एप्लीकेशन फिल करनी है और आपको गिवन ईमेल एड्रेस पे भेज देना है. वट यू थिंक इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सूसी इज स्टिल ओके. क्राइटेरिया यही है कि आप कितने सीरियस हो, आपने क्या पास में किया हुआ है और आप वापस आके क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सोसाइटी के लिए. तो क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट बी यूनिक, बी क्रिएटिव इन योर ओन वे. और जब आपको लगे कि यू हैव डन योर बेस्ट तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो. और है ईमेल एड्रेस की बात हो की है, और ये भी बात होगी कि हम SOP बोझ प्रोग्राम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप यूज़ कर सकते हैं पर आपको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे आप. सॉरी, मैं सबके क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. डियर, लास्ट ईयर शॉर्टलिस्टेड के एडवांटेजेस हैं कि नहीं है? लास्ट ईयर अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए थे और इंटरव्यू में नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपकी एप्लीकेशन काफ़ी अपीलिंग होगी. तो आपको ये एडवांटेज है कि आपको पता है कि आपको किस तरह से पेंच करना होना है, आपको पता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है, और आप दोबारा से शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं. फिर आप अपने इंटरव्यू में वर्कआउट करेंगे और फिर आप यू विल मेक इट होपफुली. और ये नहीं मुझे पता कि वो प्रेफरेंस देते हैं या नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट नेवर लूज होप, यू विल डू इट. और कोई क्वेश्चन आपका? ओके, तो अब मैं सूसी फॉर वुमेन की एप्लीकेशन खोलूँगी. तो ऊपर से पूरी सेम है, आपको वही सब बातें लिखनी है जिस तरह से पब्लिक पॉलिसी वाली एप्लीकेशन आप आपने फिल करोगे, इसी तरह से आप जो वुमेन्स हैं वो इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे. तो आप अपनी SOP में भी इसी तरह से डिस्कस करोगे, लीडरशिप के बारे में ज़्यादा फोकस करोगे क्योंकि इट इज़ अबाउट लीडरशिप, सो यू हैव टू मेंशन योर लीडरशिप स्किल्स. और फिर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. इंटरव्यू फिजिकल जाना होगा या ऑनलाइन? हमारी मर्जी से देख लेंगे. अच्छा, तो इंटरव्यू जो है इट डिपेंड्स, कुछ लोगों का आप जाके भी हुआ था और कुछ लोगों का ऑनलाइन भी हुआ था. तो ये मर्जी सी डेट लेने वाला मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल है आप डिस्कस करते हो तो वो आपसे काफ़ी हेल्प आउट करते हैं आपको और काफ़ी आपको हेल्प करेंगे. और इंटरव्यू जो मतलब जो इस्लामाबाद वाले थे उन्होंने इस्लामाबाद में जाके उनका हो गया था इंटरव्यू, कुछ लोगों का ऑनलाइन भी होता है. तो इट डिपेंड्स. आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बट हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन देन माई डिग्री प्रोग्राम, शुड आई राइट रिलेटेड टू माई डिग्री? और देखें, आप अपने आप को डिफाइन करें, आप अपने इंटरेस्ट की बात ज़्यादा करें कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और आप उसको लिंक कर सकते हैं अपनी फील्ड से, कंप्यूटर साइंस से लिंक कर सकते हैं. और जस्ट राइट इट डाउन. और अपने मुझे ये लगता है कि आप अपनी SOP एक बार लिखें, जो भी आपके दिल में आता है, जिस तरह भी आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को डिफाइन करते हैं, डू इट. उसके बाद आप इसको एडिट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद आपको फाइनल वो ड्राफ्ट मिल जाएगा जो आपको लगेगा कि यस, दिस इज़ द थिंग. डियर, इन व्हाट बेस मोस्टली दे सेलेक्ट पीपल? एक तो आपको डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से आपको चूज़ करेंगे. दूसरा, आप में क्वालिटीज़ देखेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ देखेंगे, आप में देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट कितना है पब्लिक पॉलिसी में, आप कितने सीरियस हो, आपने जो SOP में लिखा है वो आप जब आपका इंटरव्यू लेंगे तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, तो ये सब होगा. ओके, कैन वी आर द सेम SOP विच वी सेंट इन ह्यूग्रेड? देखिए, ह्यूग्रेड में आप थोड़े से कल्चरल टच देते हो,
तो इसमें आपको लीडरशिप, पब्लिक पॉलिसी को भी डिस्कस करना है. आप वो यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहते हो, पर आपको, मेरा ख्याल है कि आपको इसको थोड़ा सा एडिट करने की ज़रूरत है. आपको इसको थोड़ा सा लीडरशिप की तरफ, अगर आप में आपको लगता है कि लीडरशिप स्किल्स हैं, इसको लीडरशिप की तरफ मोल्ड करें. अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है पब्लिक पॉलिसी में, तो आप उसको उस तरफ ही मोल्ड कर सकते हैं. अगर किसी ने यूग्रेट के लिए भी अप्लाई किया है, तो क्या वो सूसी के लिए भी अप्लाई? येस ऑफ कोर्स, अगर आपने यूग्रेट के लिए अप्लाई किया, येस जस्ट डू इट. यूग्रेट में भी अप्लाई करें, सूसी के लिए भी अप्लाई करें. अगर आप लड़की हैं तो आप सूसी फॉर वुमेन के लिए भी अप्लाई करें, सूसी फॉर पब्लिक पॉलिसी के लिए भी अप्लाई करें. तो मैं डिस्कस कर रही थी सूसी फॉर वुमेन के क्वेश्चंस. तो अब हम ये क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. तो और मैं बार बार क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले कह रही हूँ कि दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, एंड यू कैन डिस्कस विद इट विद योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, एंड देन राइट इट इन फ्रॉम 150 टू 250 वर्ड्स, राइट? सो वट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर इन अ करियर ऑफ अ फीमेल पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान? हाउ डू आर फीमेल पॉलिटिशियंस एक्सपीरियंस असिस्टेंस वेन लीडिंग मेल पॉलिटिशियंस? तो बैरियर्स की बात हो रही है अगेन. आप बताओगे कि आपको क्या लगता है कि बीइंग अ वुमेन आपको क्या बैरियर है? तो बैरियर तो ये भी है कि पाकिस्तान में औरतों को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते. आपको घर से बाहर, अगर आपका, आप किसी फैमिली से बिलोंग, कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको तो ऐसे इश्यूज भी हैं कि आपको कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बनने दिया जाएगा. आपको फैमिली इश्यूज़ होते हैं. अगर आपका बेटा पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, और अगर आपकी बेटी आना चाहती है तो उसको थ्रेट्स मिलेंगे. और तो बैरियर तो ये भी है कि आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती. बैरियर तो ये भी, आपको सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती. बैरियर तो ये भी है कि आपको, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना आपके मुकाबले में जो एक मेल पॉलिटिशियन होता है. बैरियर तो ये भी है कि जो वुमेन हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती. बैरियर तो ये भी है कि जो औरतें हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो पॉलिटिक्स में आ सकें. बैरियर तो ये है कि औरतों को डिपेंड करना पड़ता है मर्दों पर. और बैरियर तो ये भी है कि जो औरतें हैं उनके लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करना मुश्किल है. तो बैरियर्स तो बहुत सारे हैं. आपको जो लगता है आप उसको डिस्कस करोगे और अपनी एप्लीकेशन में लिखोगे. और आप अपनी जो क्वेश्चंस हैं, और अगेन दिस इज़ जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन राइट व्हाट एवर यू वांट टू राइट एंड हाउ एंड लाइक हाउ यू परसीव इट एंड हाउ यू वांना राइट इट, जस्ट राइट इट डाउन. दिस इज़ जस्ट मेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम जस्ट डिस्कसिंग ताकि आपको आइडियाज़ मिल सकें और हम इस डिबेट से जो पॉइंट निकले आप उसको लिख लो. तो अब है, व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प आवर फीमेल लीडर्स टू अचीव अ मोर प्रोमिनेंट रोल एज अ लीडिंग पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान? अब ये उन स्ट्रेटजीज की बात करें कि जो कि हमारे फीमेल लीडर्स को हेल्प करेंगी ताकि वो एक, उन्हें एक प्रोमिनेंट पोजीशन मिल सके. तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप उन स्ट्रेटजीज की बात करो. आपको क्या लगता है कि आप ऐसा क्या करो? आप कैंपेनिंग करो, पॉलिटिकल कैंपेनिंग करो, आप मीडिया का यूज़ करो कि अपनी पावर को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रेज करने के लिए. आप किस तरह से प्रोटेस्ट करोगे, आप किस तरह से कैंपेनिंग करोगे, आप किस तरह से लोगों को बताओगे कि यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू वांट टू डू दिस एंड यू नीड सपोर्ट. तो आपको उन स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है? तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लगता है. तो आई गेस आई एम डन विद दिस. तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चंस. सूसी फॉर वुमेन इन पब्लिक पॉलिसी आर टू डिफरेंट प्रोग्राम्स, वी हैव टू अप्लाई सेपरेटली? या दे आर इंटायरली डिफरेंट प्रोग्राम्स अंडर द नेम ऑफ सूसी. One is for women and other is for both men and women. And you can apply, in, you are a girl, so you can apply to both of them. And in both of the programs, you are going to USA. And yeah. Aur koi question? Agar koi kisi ne yogurt ke apply kiya to sushi ke apply kar sakte hai? Ji, bilkul kar sakte hai. अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूँगी, उसके बाद हम सेशन ख़त्म कर देंगे. आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो आप उसको डिस्कस कर लें.
ऑल्सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मैसेज करते हो काफ़ी एलुमनास को कि हमने अप्लाई करना है और हमें हेल्प करते हैं, तो हम आपकी SOP रिव्यू कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर आपको मतलब ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप पूछते हो कि जेंडर वाले में क्या लिखना है, या फिर आप एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है। आपसे एक बस रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वेबसाइट को ख़ुद से देख लो, आप देख लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप देख लो कि इस प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है, और आप वो सब एक बार देख लो, फिर आप ये SOP भी रिव्यू करने में हेल्प करेंगे, लिखने में हेल्प करेंगे। बस आप एक बार उसको देख लो और अपनी SOP खुद लिखो, किसी और से मत लिखवाओ। रिव्यू करने का ये मतलब नहीं होता कि अगर आपके SOP लिख देगा, आपको इस पर ख़ुद वर्क करना है, आपको ख़ुद मेहनत करनी है। आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। Some tips about personal statement. I already have given tips regarding SOP. SOP में दोनों SUSI programs में same SOP डाल दें। दो बार देखें, मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि आप डाल दें, बेशक डाल दें, पर जो SUSI for women leader है तो उसमें अगर आप leadership के बारे में discuss कर लें थोड़ा सा तो ज़्यादा बेहतर होगा, और public policy में public policy को discuss कर लें तो ज़्यादा, मतलब public policy leadership दोनों को balance कर दें। जो requirements हैं, जो required चीज़ आप उसको उस हिसाब से देखें। आप बेशक अपनी पुरानी SOP यूज़ करें, बट आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो और उस क्राइटेरिया में आप पूरे उतरते हो, तो आपको देखना है आपके कंपटीशन पूरे पाकिस्तान के सब स्टूडेंट्स हैं, आपको देखना है कि आपकी SOP उस लेवल की है, इतनी अच्छी है। और मुझे लगता है कि आपको अंदर से गट फीलिंग आती है, आपको लगता है कि आपको आपकी SOP अब इतनी अच्छी हो गई है कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आपका कॉम्पिटिशन किस से, पूरे पाकिस्तान से आपको कॉम्पिटिशन है, तो आपको इसके लिए अच्छी सी SOP तैयार करनी है। और आपके पास टाइम है, अपने SOP के साथ वक्त गुजारें, उसको एडिट करें। इस SOP लिखते लिखते यू ऑल्सो एक्सप्लोर योरसेल्फ, दैट व्हाट यू आर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते भी हो कि नहीं करना चाहते, तो आप अपने बारे में भी जान चाहते हो। आप अपने टीचर से कंसल्ट करो, उनको क्या लगता है आपके बारे में, अपने फ्रेंड से फैमिली से डिस्कस करो कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं हैं। आप सोचते हो बैठ के कि कभी आपने कुछ ऐसा परफॉर्म किया है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आई हों, कभी आपने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया है कम्यूनिटी में कि वो बिल्कुल जिसमें आपने बिल्कुल अपने दिल से काम किया हो, आपको लगा हो कि आप कम्युनिटी के लिए सोचते हो, तो आपको अपने SOP में ख़ुद को एक्सप्लोर करना है। रिकमेंडेशन लेटर किसका हो, कोई भी रिकमेंडेशन लेटर नहीं रिक्वायर्ड, आपने बस इस एप्लीकेशन को सॉल्व करना है और ईमेल एड्रेस पे उनको मेल कर देना। तो बस और कुछ क्वेश्चंस, और ये मेरे जो सब दोस्त हैं जो मेरे साथ SUSI पे गए थे, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और कोई आपका सवाल तो आई एम हेयर फॉर सम फ्यू मोर मिनट्स। तो आई गेस मैंने सब डिस्कशन कर लिया है जो जो रिक्वायर्ड था। और अगेन वही बात कि बेस्ट ऑफ लक, इट्स मोर अबाउट लक, ये मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट लक। आप जब अप्लाई करो और बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो, यू विल डू इट, यू कैन डू इट। जो बाकी भी सब चाहते हैं तो उनमें भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, बस आप देखो कि आप कितने कमिटेड हो टू योर सेल्फ, आप कितना करना चाहते हो, आप अपना पैशन देखो एंड जस्ट गो फॉर इट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जो आप में कमी है या दूसरों में है। बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। फ्रॉम वेयर वी कैन फिल द फॉर्म्स, ओके, सो यू नीड टू गो टू द वेबसाइट फर्स्ट एंड ऑन द वेरी राइट टॉप कॉर्नर आई गेस या देयर इज अ लिंक टू डाउनलोड द एप्लीकेशंस एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशंस। कैन वी सबमिट द सेम SOP ऑफ यू ग्रेट टू SUSI? आई हैव also talked about this. You can do it, but you have to mold it according to the public policy and leadership. Any SOP for help, any link, yeah, you can google, you can use google and write SOP and you will be you will see a lot of examples of SOP. You can get an idea from the google, right? So you can check that also.
अपनी SOP में बिल्कुल बिल्कुल इजी भी मत हो और या फिर बहुत मुश्किल भी मत हो. जस्ट बी रिलैक्स एंड राइट अबाउट योर सेल्फ. वट डू यू फील अबाउट योर सेल्फ? सो ओके, सो या आई गेस वी आर डन. या सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, यू कैन टॉक टू अलुमनाइज. दे डू रिस्पॉन्ड एंड लाइक दिस द नेटवर्क ऑफ अलुमनाइज आर सो गुड. दे रिस्पॉन्ड, दे हेल्प. व्हेन लास्ट ईयर आई नीडेड हेल्प एंड गाइडेंस, अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर टू हेल्प मी आउट. एंड सिमिलरली दिस ईयर एंड एवरी ईयर पीपल हेल्प यू आउट. यू जस्ट नीड टू आस्क एंड आस्क द लाइक आस्क द जेन्युइन क्वेश्चंस, नॉट really pathetic. You just I guess you got me. You need to ask questions like in which we can help you, not something like from what do you and I need to write in gender. This is not the question, sorry to say. How to make your SOP stand out? This is how to make your SOP stand out. It's just how do you feel that you are an outstanding girl? It's just that, just try to hard. What do you feel about yourself? And I have discussed it earlier. So, if you have time, then can you review my SOP? Yeah, I can. You can text me. Kisse poochen, kya poochne? Kiran. Ayo ma'am, those females applying for SUSI leadership can also same SOP ki baat huye, is there any plagiarism criteria for it? Nahi, aapki SOP hai, aapne likhi hai dono programs ke liye, agar to plagiarism ki baat nahi hogi. To aap kar sakte hain use same SOP, par aapko thoda sa aapko usme changes lane padenge. Any platform to contact alumnus? Gohar ne bataya hai jaise. To aap kaise, kafi groups bhi hain. Facebook pe bhi group hai SUSI ka, aap usko join kar sakte hain. Agar aapko help chahiye aur aap Facebook pe search karein to kafi profiles mil jati hain. Or text them, they do reply and answer. Question, dear. हाँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उन ग्रुप्स में आ जाइए अगर आप हेल्प चाहिए आपको किसी भी किस्म की. तो थैंक यू गोहर फॉर हेल्पिंग. कैन यू शेयर द लिंक? आई डोंट रिमेम्बर द नेम और लिंक. कैन यू शेयर द लिंक गोहर? BS बस फर्स्ट वाले कर सकते हैं अप्लाई. फर्स्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते. जब आप अपनी डिग्री का एक साल पूरा मुकम्मल कर लेते हैं तो आप, अगर थर्ड सेमेस्टर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. योर लिंक, आई वांट टू शो यू माय SOP. माय लिंक, माय नेम इज़ नरमीन इफ्तिखार. आप इसी को बिल्कुल राइट स्पेलिंग पे आप फेसबुक पे लिखोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी. यू कैन मैसेज मी राइट. How to apply for a PhD match for USA University? I really don't know about it. This is just a summer exchange program for, for students. I really don't know about this PhD thing. और ये group का link भी share हो चुका है. आप इस group को join कर सकते हैं अगर आपको कोई help चाहिए. And I guess yes, we are done with it. Thank you so much for hearing me. और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर टू हेल्प यू एंड आई होप यू विल मेक इट एंड आई विल प्रे फॉर यू ऑल टू जस्ट मेक इट इफ यू रियली वॉन्टेड एंड यू विल डू इट. सो इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू. और आखिरी सवाल, ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई नहीं कर सकते आप इस प्रोग्राम के लिए नहीं कर सकते, SUSI के लिए नहीं कर सकते, बाकी और भी प्रोग्राम्स हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर इट आउट. इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ अंडरग्रेड्स ही कर सकते हैं. आई एम द स्टूडेंट ऑफ 7th सेमेस्टर, कैन अप्लाई? नो, बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई, बट दिस इज़ नॉट रिटन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, व्हाट एल्स? वी आर डन.
how is it different from other programs? Okay, how it is different from other programs? This is really a nice program, I must say. Like, I have been to this program and this is just amazing. This program is, agar hum kehne ko, ha, main is program ki, ye main kehti kuch missing hai, toh humne is program ke bare mein baat nahi ki. 6 hafte hote hain, par un 6 hafton mein aap itna explore karte ho culture ko ki aap bahut hi life changing kism ka program hai. Aap 6 hafton ke liye jaate ho, aap US ko explore karte ho, aap different logon se milte ho, different cultures ko dekhte ho, kyunki USA mein bahut zyada different cultures aapko milenge, bahut zyada versatile log milenge aapko. Aur aap jab aapko is program mein leke jaate ho to aapko ghumate phirate bhi acche khaase hain. Aapko kafi Boston jaoge, Charlottesville, New York, Washington, Amherst mein rahoge to aapko kafi pata chalega USA ke bare mein. Aur aapko stipend milega acha khaasa jisse aap acche se reh sakte ho, shopping kar sakte ho, jo bhi aap karna chahte ho kar sakte ho. Aur aapko dorms mein rakhenge university ke, and this is a fully funded program. You don't even have to pay single penny for it. Aur aapko ek iPad milega, aapko stipend milega, fully funded hai, visa ticket sab kuch embassy kar rahi hai. All you just need to do is to apply, and this is all fully funded. Is this 4-year or 5-year program? This is not some year program. Are you applying to some person? Ye sirf summer exchange program hai. Ji, video aap shuru se bhi dekh sakte hain. And here 2 years BA ke baad masters ka first semester hai. Can I apply? Yes, you can apply. You can apply. Ma'am, I want to apply MS software. We are not talking about MS or master's program right now. This, we are talking about undergrad summer exchange programs. How to apply? You need to go to the website and you need to hear this all video. Is any undergraduate scholarship? Right now I am talking about an undergraduate scholarship. This is an undergraduate scholarship. You have to fill the form online or you have to print it out. Yes, you have to fill, you have to download the application, then you have to fill it out. Aur phir aap usko save karoge aur phir aap usko ek given email address pe bhejoge. Aapko website ko explore karna hai. How to answer the 3 questions. Jab main ye video band kar dungi to aap isko dobara se dekhoge to maine kuch discussion ki hai un questions ke bare mein. I would have 8th last semester left. At what time? I didn't get your question. Do we have to write SUP like in UGRAD or any other thing while applying? Yeah, you need to write SUP as you have wrote in UGRAD, but it will be very oriented towards public policy and leadership. Okay, so this is it. I hope it was an informative session and it was really nice to talk to you all. So good luck and allow us.